नमस्कार, आप देख रहे हैं तेजस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योति कनौजिया। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। मेरठ एडवोकेट प्रियंक देव शर्मा चैम्बर नंबर 2 मेन चौराहा मोरठ कचहरी अपने विधि व्यवसाय कार्य के लिए 7/6/2021 को जिला बागपत न्यायालय अपनी मारुति कार UP15DB1775 से गए थे, तभी कार समाप्त करके मेरठ कचहरी के लिए वापस लौटते समय करीब 12 बजे दोपहर पूरा महादेव मंदिर थाना बालेनी जिला बागपत में पहुंचे तो दरोगा श्याम सिंह व चंद्रवीर चौहान 3 अज्ञात सिपाही के साथ सरकारी गाड़ी लेकर सड़क पर खड़े थे। तभी प्रियंक देव एडवोकेट को लेकर कार से बाहर निकलने के लिए कहा और गाड़ी के कागज मांगे और गाड़ी के सारे कागजात दिखाने के बाद सब कंप्लीट निकले, परंतु चंद्रवीर चौहान द्वारा अवैध शुल्क 2000 की मांग की गई और एडवोकेट प्रियंक देव ने पूछा तो 2000 किस बात की मांग रहे, तो श्याम सिंह दरोगा ने धमकाते हुए कहा कि तुमने कोविड-19 का पालन नहीं किया है, हम तुम पर कोविड-19 की कार्रवाई करेंगे और तुम्हारी गाड़ी को भी सीज कर देंगे। इस पर जबकि उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं मेरठ कचहरी में वकील हूँ और मैं तेजस 24 न्यूज का लीगल एडवाइजर भी हूँ, पक्ष में उत्तर प्रदेश मैंने कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन नहीं किया है, तो श्याम सिंह दरोगा बलेनी जनपद बागपत में प्रियंक देव एडवोकेट से बदतमीजी करते हुए गाली गलौज की और उन्होंने धमकी देते हुए कहा कि अगर ज्यादा वकील गिरी दिखाई तो अंदर हवालात की हवा खिला दूंगा और उनसे उनका आधार कार्ड DL व एवं पर्स छीन कर श्याम सिंह दरोगा थाना बालोनी जनपद बागपत ने छीन कर अपने पास रख लिया। मेरठ से पत्रकार प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। आपका नाम? मेरा नाम प्रियंक देव शर्मा है। 7/6/21 को जो आपके साथ घटना घटी, किस जगह घटी? ऐसा था, मैं अपना विधि व्यवसाय करके बागपत कोर्ट से वापस आ रहा था तो जब मैं बलेनी थाना अंतर्गत पूरा महादेव पे पहुंचा, मंदिर पे पहुंचा तो वहां पर थाने की सरकारी गाड़ी बलेनी की खड़ी हुई थी जिसमें दरोगा श्याम सिंह, चंद्रवीर चौहान और 3-4 सिपाही जिनके नाम पता नहीं है, ये लोग चेकिंग कर रहे थे। उसमें से मेरी गाड़ी के पास एक सिपाही आता है और गाड़ी रोकता है और मेरी चाबी निकालने का प्रयास करता है गाड़ी में से। मेरे द्वारा विरोध किया जाता है कि आप चाबी नहीं निकाल सकते, मैं जब गाड़ी रोक दी है, मैं दरोगा जी से मिलने जा रहा हूँ, बताने जा रहा हूँ, तो आप चाबी क्यों निकाल रहे हो? इतने में ही दरोगा जी जो है आपके चंद्रवीर श्याम सिंह ये दोनों आ गए। इन्होंने आ करके जो है मुझे कहा गाड़ी के पास आइए, मैं गाड़ी के पास गया। इन्होंने कहा कि हम आपका जो है कोविड का चलान करेंगे। मैंने कहा भाई आप चलान मेरा किस बात पर करोगे, जब मैंने मास्क लगा रखा है, सैनिटाइजर गाड़ी में मौजूद है, मैंने अपना इन्हें परिचय भी दिया कि मैं पेशे से अधिवक्ता हूँ और तेजस 24 न्यूज चैनल का जो है लीगल एडवाइजर हूँ पश्चिम का। मैंने उन्हें बताया सब कुछ, बताने के बाद भी उनके द्वारा जो है ये कहा गया वकील तो हमेशा जो है गलत बोलते हैं, अभर व्यवहार किया गया मेरे साथ और मुझसे 2000 रुपये की मांग की गई। जब मैंने पैसे देने जब मैंने मना किया तो मुझे सरकारी गाड़ी पे 2 घंटे होने वाले हिरासत में बैठा के रखा। जब वहाँ से हमारे कुछ अधिवक्ता बागपत से कार करके लौट रहे थे, उन्होंने मुझे गाड़ी में बैठा हुआ देखा, तब जा करके उन्होंने मुझे वहाँ से छुड़ाया इनके कब्जे से। उसके बाद हम लोग अपना जो वापस मेरठ आ गए। उस संबंध में मैंने तुरंत तत्काल प्रभारी निरीक्षक थाना बलैनी को अवगत करा दिया था। उस घटना के क्रम में CO खेगड़ा को मैंने अवगत करा दिया था, बता भी दिया था, लेकिन अभी तक किसी भी तरह की इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई और मैंने लीगल नोटिस भी इन्हें जो प्रेषित कर दिया है, लीगल नोटिस भी इन्हें प्राप्त हो गया है, लेकिन अभी तक भी किसी भी तरह की कोई जो है कार्रवाई नहीं हो रही है। ऐसी ही खबर से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें तेजस 24 न्यूज़।